ओके नाउ देखिएगा टेंजेंट टू ए सर्किल द वैसे इन सर्किल ऑफ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एबीसी के अंदर एक इन सर्किल है टचेस द साइड्स बीसीसीए एबी को आपका नाम डीईएफ आपका करता है यानी कि अ सर्किल इज इनसाइड अ ट्राइंगल एबीसी सिंपल सी बात ठीक है तो ना अब आपको शो दैट ये करना है प्रूफ आपका देखो तो पहले आपका मैं सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ ट्राइंगल के अंदर सर्किल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है ए बी सी इस सर्किल को आपका नाम देखो कैसे बी सी को टच कर रहा है आपका देखो नाम डी पॉइंट पे ये देखिए एंड दिस इज ये आपका दिस इज ए पे और आपका देखिए दिस एफ यस क्वेश्चन आपके पास वो है आपका नाम देखो दिस इज आपको याद होगा एक महीने अभी थोड़े दिनों पहले आपका थ्योरम कराई थी आपको टेंजेंट टू द सर्किल याद है देख लीजिएगा लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल कहां इक्विलेटरल कहां सारी मतलब वो साइड टाइप की टेंजेंट ही तो ऐसा नहीं है नहीं सर ये टेंजेंट इसको कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट तल लेता है इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बोल सकते हैं ना देखो दस एनी हो कोई बात नहीं बस इसको लिखने का क्राइटेरिया आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए प्रूफ में जो भी है इन ए सर्किल सी ओ आर सर्किल सर्किल के साथ टेंजेंट का मतलब क्या होता है वेयर द सर्किल इज टचिंग अ लाइन सेगमेंट एट वन पॉइंट एट वन पॉइंट वो माइनर हो या मेजर हो उससे भी आपका नहीं बात हो सकती तो ए एफ इज इक्वल टू ए डी इसमें सिंगल कट मैंने मार दिया ये देखिए आप ठीक है उसके बाद पर लिखने का तरीका है इसका ना देखो बी डी इज इक्वल टू बी एफ दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड ये देखिए ये हो गया और उसके बाद देखो यहाँ पे आपका कैसे हुआ तो ना द लेंथ ऑफ टू डेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्किल आर इक्वल ये है सर पॉइंट ऑन ए सर्किल पॉइंट ऑफ सर्किल आपका देखो आप क्या करेंगे आप इसमें ऐड करेंगे एक्सेप्ट नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर वन नाउ टू एंड थ्री ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पे इनको ऐड कर देंगे ये लिखने का मेथड आपका थोड़ा क्लियर होना चाहिए ए एफ प्लस बी डी इज इक्वल सॉरी प्लस सी इज इक्वल टू ए ई प्लस BF of plus C. AF plus BD plus C is equal to आपका देखो आपने क्लियर हो गया और आपका ये तो हो गया सर अब आप क्या करोगे फर्स्ट फेस में आपने ये कर दिया सेकेंड फेस में देखिए ये ट्राइंगल आपका देखो A B C ये ट्राइंगल में देखो यस F ये तो आपका यहाँ D है और ये आपका E है ना इन ट्राइंगल ए बी सी ना ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ऐसे कर दो ये आपका क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल या आप उल्टा लिख रहे हैं तो आपका उल्टा लिख दीजिएगा आपका नाम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऐसे कर दो ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी हो गया अब ए बी को यू कैन राइट ए एफ प्लस बी एफ प्लस बी सी को बी डी और प्लस डी सी और प्लस सी ए को सी और प्लस ए ये यहाँ पे आप कह रहा हूँ सी डी
बी डी लिखा, सी डी ऐसे आ गया, ए एफ आ गया, ठीक है, क्लियर है सर? तो मैं अब आपका नाम ए एफ प्लस बी डी प्लस सी, ये तो हो गया, और ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी, देखो ए ई आपका नाम दे सर, प्लस बी एफ और प्लस सी डी, इसकी जगह में भी आप यही रखिए, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी, यहाँ पे आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन कर, वन एफ ए एफ वन एफ टू एफ, ठीक है, प्लस आपका नाम टू बी डी, वन बी डी वन बी डी और प्लस टू सी, टू कॉमन ले लीजिए, टू कॉमन ले लिया, क्लियर? तो ना ये आपका पेरीमीटर एम टी आर लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कैसे बढ़ा, टू आपने कॉमन ले लिया, बना दे ए एफ प्लस बी डी और प्लस अपन आते हैं दिस व्हाट सी, एंड इट विल कम डाउन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ना दे ए एफ प्लस बी डी प्लस सी इज इक्वल हाफ, ये अपन हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी, श्योर वही कर दीजिए इसको कंप्लीट।